हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसके पहले हमने आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताया था, नाउन क्लॉज का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आज हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। जैसे हमने नाउन क्लॉज के बारे में बताया था कि नाउन क्लॉज एक्ट एज अ नाउन इन द सेंटेंस। तो नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह यूज होता है, सेम उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और एडजेक्टिव के बारे में आपको बताइए कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे ही इज अ पुअर बॉय, बॉय गरीब लड़का है, तो इसमें पुअर किसके लिए यूज हुआ, बॉय के लिए। तो बॉय एक नाउन है, इसको ये मॉडिफाई करता है पुअर। तो इस तरह से ये होता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्लॉज में भी हम सेम नाउन क्लॉज की तरह दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, हू का यूज करते हैं, या फिर वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाई, अर्थात क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी हम दैट, विच, हू, वेयर, व्हेन, व्हाई, अर्थात क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड कि दिस इज द पेन, या फिर एक पेन है, माय फ्रेंड गेव इट टू मी, मेरे फ्रेंड ने इसे दिया था, मेरे फ्रेंड ने इसे मुझे दिया था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी एडजेक्टिव क्लॉज के रूल से कंबाइन करने के लिए जो हमें जो सेपरेट सेंटेंसेस हमें दिए जाएंगे, वो सेपरेट सेंटेंसेस कैसे होंगे। जो दोनों हमारे सेपरेट सेंटेंस रहेंगे उसमें किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन का मेंशन उस दोनों सेंटेंस में हुआ होगा। हमें देखना है कि उन दोनों ही सेंटेंसेस में किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन का मेंशन हुआ होगा। तो जैसे हमारे फर्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज द पेन, या एक पेन है, माई फ्रेंड गेव इट। अब यहाँ पे इट का यूज किसके लिए हुआ, पेन के लिए हुआ, यानी कि इसमें पेन का मेंशन दोनों सेंटेंस में है। तो इसमें इसका पहचान ही यही है कि जब भी दोनों सेंटेंस में किसी एक नाउन या प्रोनाउन का मेंशन होगा, यानी कि वहां पे हमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिस इज द पेन। अगर इसको हमें कंबाइन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। अब इसके बाद यहाँ पे एक पेन की बात हो रही है, पेन के लिए हम यहाँ पे विच का यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये एक वस्तु है, कोई थिंग्स है, या फिर कोई छोटा जीव है, तो उसके लिए हम विच या फिर दैट का यूज करते हैं। फिर आप दैट भी लगा सकते हैं या फिर विच का यूज कर सकते हैं। तो विच, विच माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो विच माई फ्रेंड, विच माई फ्रेंड ये। तो हमारे सेंटेंस कंबाइन हो गया पेन कि दिस इज द पेन विच माय फ्रेंड गेव मी, यही वो पेन है जो मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सॉ अ गर्ल, शी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, शी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इन दोनों सेंटेंस में किसका मेंशन हुआ, एक लड़की का मेंशन हुआ। फर्स्ट सेंटेंस में गर्ल का मेंशन हुआ है, और सेकंड में जो यहाँ पे शी का यूज किया गया, ये इसी गर्ल के लिए किया गया। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेना है, या ऐसा अ गर्ल। हमारा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है आई सॉ अ गर्ल। अब इसके बाद शी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, इस शी की जगह में हमें हू का यूज करना है, हू, क्योंकि शी यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो जब भी पर्सन की बात होगी तो हमें हू का यूज करना है, और जब थिंग की बात होगी या फिर किसी छोटे जीव की बात होगी उसमें हमें विच या फिर दैट का यूज करना है। तो आई सॉ अ गर्ल हू वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल।
फ्रेंड्स अगर किसी सेंटेंस को अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता तो सीधे हम इस नाउन के पहले दोनों उस एडजेक्टिव को रख देते। अगर इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता तो इसमें हमें हु की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम सीधे ऐसा करते हैं कि आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम केवल नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज कर देते तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता कि आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन अगर इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसमें हमें हु का यूज करना ही होगा, या आई सॉ अ गर्ल हु वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। हाँ तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई फाउंड योर पर्स एट अ प्लेस, मैंने तुम्हारा पर्स एक स्थान पर पाया। देयर इज अ स्टैच्यू एट द प्लेस, उस स्थान पर एक मूर्ति है, एक स्टैच्यू। अब इसे हमें कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और यहाँ भी अगर देखा जाए दोनों सेंटेंस में तो एक प्लेस का मेंशन हुआ, दोनों सेंटेंस में एक प्लेस का मेंशन हुआ है। और प्लेस के लिए हम इसका यूज करते हैं वेयर का, प्लेस के लिए वेयर का यूज करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्लॉज लिखना होगा, प्रिंसिपल क्लॉज है आई फाउंड योर पर्स, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा आई फाउंड योर पर्स, आई फाउंड पर। अब अगर इसमें हमें नाउन क्लॉज का यूज करना होता तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख देते आई फाउंड योर पर्स वेयर, आई फाउंड योर पर्स वेयर। अब इसमें हमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है तो जिसके लिए वो एडजेक्टिव है उसको यहां पे लिखना पड़ेगा आई फाउंड योर पर्स। अब इसके बाद एट अ प्लेस, तो सबसे पहले इसमें हमें इसका प्रिंसिपल क्लॉज लिखना होगा जो कि है आई फाउंड योर पर्स एट अ प्लेस, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके बाद हमें कंजंक्शन का यूज करना होगा जो कि यहाँ पर जाएगा वेयर, क्योंकि इसमें एक प्लेस की बात हुई एक स्थान की बात हुई तो इसमें हमें वेयर का यूज करना होगा। तो वेयर देयर इज अ स्टैच्यू, वेयर देयर इज, वेयर देयर इज अ स्टैच्यू। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और हमने आपको बताया था ये बताने के लिए कि कैसे हम नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का डिफरेंस कैसे जानेंगे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि दोनों में ही दैट विच हु वेयर व्हेन व्हाई इन सभी का यूज होता है, तो हम डिफरेंस कैसे जानेंगे दोनों में नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में। तो फ्रेंड इसमें डिफरेंस यही होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि इन सभी कंजंक्शन के पहले दैट विच हु वेयर व्हेन व्हाई इन सभी कंजंक्शन के पहले नाउन होगा, एडजेक्टिव क्लॉज में इन सभी कंजंक्शन के पहले एक नाउन आया होगा। जैसे अगर देखा जाए कि दिस इज द पेन विच, अब यहाँ पे विच के पहले आया हुआ है पेन, जो कि इस विच का यूज किया गया है पेन के ही लिए। अब यहाँ पे आई सॉ अ गर्ल हु वाज, अब यहाँ पे हु का यूज किया गया किसके लिए, गर्ल के लिए, तो इसके ठीक बाद में हु का यूज किया गया है, इसमें भी इस कंजंक्शन के पहले नाउन आया हुआ है। अगर थर्ड एग्जांपल देखा जाए आई फाउंड योर पर्स एट अ प्लेस वेयर, तो यहाँ पे वेयर के पहले आया हुआ है प्लेस, और जो इस वेयर का यूज किया गया है इस प्लेस के लिए, वेयर देयर इज अ स्टैच्यू, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है इस प्लेस को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी एग्जांपल्स बताएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसे कंबाइन करके आपको जरूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।